हेलो 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 हेलो, GoPro Hero 7 ब्लैक काफी दिन हो गया इसको वॉश नहीं किया, कल करेंगे। ये जो RPM है इसके साथ थोड़ा सा छेड़खानी किया था मैंने, तो ऐसे ये थोड़ा सा मतलब उलट पुलट होके रखा है, तो इसको मेरे को इसको थोड़ा सा कहीं पर दिखाना पड़ेगा। पहले तो ये और भी ज़्यादा बैंड था, तो हमारे टाटा भाई ने इसको ठीक कर दिया था थोड़ा बहुत। SBN पुकार रहा था वहाँ पे, मतलब मेरे गली में ही मेरे सारे सब्सक्राइबर्स लोग हैं छोटा छोटा। सो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 4। फिलहाल यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ फैंसी बाजार, बिकॉज मुझे लेना है एक एक्सटर्नल माइक, एंड अमेजोन से जो मैंने ऑर्डर किया था वो पता नहीं कुछ इशू आ रहा है उसमें, तो उसके वजह से मैं जा रहा हूँ फैंसी बाजार। वहाँ पे देखते हैं जाके कि कुछ अच्छा सा माइक है कि नहीं। तो फैंसी बाजार में एक शॉप है जहाँ पे नया नया सामान आया है, तो वहाँ से बोला कि मेरे को आओ एक बार आके देख लो। कुछ माइक वगैरह भी हम लोग के पास है, एंड इतने दिनों से मैं जो GoPro का जो एडेप्टर है उसको मैं ढूंढ रहा था, मंडे को मेरे पास आ भी गया और उस दुकान पे भी आज आ गया। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो, होप यू ऑल एक्सट्रीमली वेल। सो एक बार माइक का सेटअप हो जाए ना बॉस, तब इस वाइजर को ऑफ करके हमेशा चलाएंगे। माइक ना होने की वजह से भाई बहुत ही चीख चीख के बात करना पड़ता है, एंड जब भी बात करना होता है गाड़ी को स्लो भी करना पड़ता है, तो वो सब झंझट अब खत्म होने वाला है बिकॉज हेलमेट पे लगने वाला है एक्सटर्नल माइक। तो जाके देखते हैं, अगर माइक का क्वालिटी अच्छा होता है तो फिर ही जाके मैं लूंगा, पहले मैं उसको जाके टेस्ट करूंगा, अगर अच्छा आया तभी लूंगा। तो किसी किसी दिन ब्लॉग नहीं भी आ पाता है, तो काफी लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं कि भाई आज ब्लॉग क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डाला। तो देखो डेली कभी कभी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज कुछ काम ऐसे निकल के आ जाते हैं कि मैं पूरा दिन गिर गया क्या, तो क्या होता है मैं पूरा दिन उसमें ही बिजी हो जाता हूँ, तब वीडियो बना नहीं पाता, तो उसके वजह से कभी कभी वीडियोस नहीं आते हैं। एंड गुवाहाटी से हो, अगर आपको एक्सटर्नल मतलब जो GoPro का ये एडेप्टर जो है वो अगर आपको ऑफलाइन खरीदना है तो आज दिखा दूंगा कि कहाँ पे वो मिलता है। मतलब वो जो GoPro का एडेप्टर है वो गुवाहाटी में किसी शॉप में नहीं मिलता था, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ऑफलाइन। शॉप का एड्रेस वगैरह मैं सीधा सीधा बता दूंगा वहाँ पे जाके। अरे इस तरफ भी देख लिया करो भाई साहब। तो आते आते अपन पहुँच चुके हैं नेपाली मंदिर। हाँ जी, नेपाली मंदिर। एंड आते टाइम अगर याद रहा तो अपन थोड़ा इसको सर्विस सेंटर में जाके, ये सामने ही है, पास में ये सर्विस सेंटर, तो जाके इस ग्लास को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। मतलब ये कुछ तो हो गया यहाँ पे, ये वाला जो पोर्ट है इसमें कुछ तो हो गया है। एंड गाइस मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि गुवाहाटी में एक रात को ब्लॉग करेंगे, मतलब रात के 12 या 1 बजे से स्टार्ट करके, मतलब गुवाहाटी का नाइट लाइफ दिखाएंगे कैसा होता है क्या होता है, मतलब बाइक पे करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं, रात को मोटर व्लॉगिंग करेंगे। एंड एक बार मैंने किया भी था, तब मोटर व्लॉगिंग नहीं किया था, तब मेरे पास बाइक वाइक कुछ भी नहीं था, तो तब मैंने एक बनाया था, लेकिन तो उस वीडियो का सारा क्लिप मेरे से डिलीट हो गया। वो बस वाले को देखो, पीछे ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन उनको अंदर पैसेंजर्स डालना है, इसके वजह से पीछे इसलिए ट्रैफिक लगा के रखेंगे ये लोग। अरे अंकल जी क्या करते हो आप भी, ये वाला जो 220 आके देख रहे हो आप लोग, इसमें ABS नहीं था, तो ब्रेकिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा इशू था इसमें। ओके तो पहुंच चुके हैं लाखटुकिया। तो शॉप का एड्रेस मेरे को व्हाट्सएप कर दिया गया था, तो मालूम चल चुका है शॉप का एड्रेस। बैठा टेस्ट करते तो 12 महीना आगे बोया था, है, दे बोया दे था। तो। बैटरी सिस्टम नहीं बेटा, अकाउंट तो चेक कर से गए दो। अच्छा एटा কয়টা ব্যাটারি ঢোকাতে লাগে একটাতে একটা একটাই সিঙ্গেল ব্যাটারি কত করে এমনি সিঙ্গেল ব্যাটারি তুমি ঘড়ি দোকানে আরামসে 100 টাকা দিয়ে
हेलो GoPro Hero 7 Black ओके तो मैंने एक्सटर्नल माइक को लगा दिया एंड तो देख सकते हो अगर यहाँ पे GoPro Hero 8 वगैरह सोनी का कैमरा कुछ भी चाहिए होगा एंड GoPro का जो एडेप्टर होगा एडेप्टर बैटरी रोड माइक वीडियो माइक कुछ भी चाहिए होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। शॉप का एड्रेस है यहाँ का रेनबो डिजिटल DC कॉम्प्लेक्स बिलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र SS रोड लाखटुकिया। ठीक है आसी তাহলে সেটা নিয়ে যাব না ঠিক আছে হবে আসি ओके बाय बाय। तो अभी मैंने एक्सटर्नल माइक को लगा दिया है। अरे बाइक को कहाँ पे पार्क ओ तो वाइजर को मैंने कर दिया यहाँ पे ऑफ। क्वालिटी कैसा आ रहा है माइक का वो तो मेरे को पता नहीं चल रहा लेकिन ठीक ठाक ही आ रहा होगा। तो मैंने अच्छे से अभी सेटअप कुछ किया नहीं है बस इसको अंदर ऐसे ही लगा दिया। पहले घर जाएंगे एंड इसका एक अलग सा वीडियो बनाएंगे बिकॉज बहुत लोग बोल भी रहे थे कि मोटो व्लॉगिंग का जो हेलमेट का जो सेटअप होता है उसका एक वीडियो बनाओ। तो यहाँ से पहले अभी घर चलते एंड उसके बाद दिखाएंगे क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो वो तो आप लोग तो अभी देख रहे हो लेकिन मेरे को तो घर जाके ही मालूम पड़ेगा कि इसका क्वालिटी कैसा है। भाई स्टोर पे मैंने एक बार टेस्ट किया तो साउंड मेरे को ठीक ठाक ही लगा। अब बाहर तो ट्राई नहीं किया अभी जो बात कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा आ रहा है वो तो घर जाके मेरे को पता चलेगा जब मैं एडिटिंग करने के लिए बैठूंगा। वायर जो था ना इसका वही वायर बहुत ज़्यादा लंबा था तो जैसे तैसे मैंने इसको हेलमेट के अंदर रख दिया। भाई ऐसा अभी फील आ रहा है कि हाँ अभी पूरा सब कुछ रेडी है। चलो जी भैया शाम भी हो चुका है एंड मैं रात के टाइम पे इसका वाइजर ऑफ नहीं कर सकता बिकॉज ये जो वाइजर मेरा है वो डे यूज के लिए है सिर्फ। एंड साथ ही साथ जो बोल रहा था एक हेलमेट भी लेना है तो एक अच्छा सा हेलमेट लेंगे इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहा है बिकॉज इस महीना खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया तो उसी की वजह से थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड एक अच्छा सा एक हेलमेट ले लेंगे। ओहो ये वाला जो माइक जो लिया मैंने तो प्राइस बताया ही नहीं प्राइस कितना आया मेरे को। प्राइस मेरे को पड़ा इसका 900 रुपीज़। एंड ये वाला जो माइक जो है इसमें आपको बैटरी लगाना पड़ता है। एंड गाइस आप लोग नीचे कमेंट करना कि आपको माइक का क्वालिटी कैसा लग रहा है। मेरे में वो ये नहीं है मतलब अभी खरीद लिया तो अभी इसको मतलब लगाना है तो देखो अभी खरीदा है ना अभी इसको अंदर लगा के मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अभी बाहर वाइजर खोल खोल के चिल्लाने का जरूरत नहीं है अंदर अच्छे से बात करते रहेंगे। एंड मेरे को इसका जो मिरर है इसको ठीक भी करवाना है। अच्छा वाकई याद आ गया अभी इसको अंदर घुसा देते है। ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। চলো ভাইয়া আবি ইয়াহ সে নিকলতে হ্যায় এন্ড মিরর হো চুকা হ্যায় সেট আব ঠিক হ্যায়। तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधा सीधा घर। ये देखो देखा कैसे यहाँ पे बैक कर रहा है मतलब इन लोगों की वजह से मैजिक वाले जो होते हैं इन लोगों की वजह से ही यहाँ पे ट्रैफिक लगता है नेपाली मंदिर की तरफ। एंड ये लोग कहीं भी कभी भी रोक देंगे इसलिए एक सजेशन है ये लोग तो सुनेगा नहीं। आप लोग जब भी ऐसे रोड पे हो तो मैजिक वाले के पीछे पीछे कभी मत रहना बिकॉज ये लोग कभी भी ब्रेक मार देंगे। ओहो तो अभी अपन जा रहे हैं जिम पे 5-6 महीने के बाद अपन जा रहे हैं आज जिम पे। तो अपने भाई ने आज तक जिम भी जाना स्टार्ट कर दिया है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। सो आज का तो वर्कआउट हो चुका है डन अभी मैं ऐसा निकलूंगा। फर्स्ट डे इसलिए ज्यादा कुछ किया नहीं है निकलते भी यहाँ से। तो भाई आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना अगर कोई चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी करके जाना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यूजर नेम है SBL ब्लॉग। बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड ऑलवेज राइड सेफ। चलो भाई।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।